हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम स्टडी। मैं जयंत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पे। तो आज हम जो बताने वाले हैं, अभी हाल ही में लेटेस्ट अभी आज सुबह या कल रात के आसपास लगभग वैकेंसी आई है अलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट की। तो उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे कि कब तक उसका एग्ज़ाम हो सकता है और बाकी सारी चीज़ें। तो मैं इधर होता हूं, आपको ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो पहला है वो है हाई कोर्ट इलाहाबाद रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2029। क्लियर। तो इसमें देखिए ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म है 30 सितंबर से फॉर्म सबमिशन स्टार्ट होगा। फीस फर्स्ट से कुल मिलाकर के आप फर्स्ट और लास्ट डेट देख लीजिए और कोई नहीं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 21 अक्टूबर। तो उसके पहले पहले आपको फॉर्म भरना होगा। क्लियर। तो ये तो हो गई इसकी बात। अगला ये कंप्यूटर का देखिए, फॉर्म दोनों साथ में आया तो डेट्स भी दोनों की सेम ही होंगी 30 से 21 अक्टूबर। ये आपको कंप्यूटर असिस्टेंट का भी दिख रहा होगा, इसमें कुछ अलग नहीं है ना ही कोई नया सा, वो नॉर्मल सी बात है। अच्छा देखिए डेट्स के बारे में ज़्यादा नहीं, मेन हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा इसका। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या है। देखिएगा स्टेज वन का जो अभी केवल सिलेबस लॉन्च रिलीज किया गया है, स्टेज टू का अभी सिलेबस रिलीज नहीं किया गया है। ठीक है, तो स्टेज वन में बात करते हैं तो रिटर्न क्वेश्चन होगा 200 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, टाइम होगा 2 आवर्स 30 मिनट्स। क्लियर। तो उसमें से जो पहला पार्ट देखो दे रखे हैं उसमें है जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ, मतलब आप सीरियल से सारे देखते जाइए, मैं अलग अलग क्या बोलूँ, टाइम वेस्ट होगा फालतू का, आपको खुद ही दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। कुल मिलाकर के पूरे जो आप खुद ही दिख रहे होंगे ये पूरा जीएस और जीके का कॉम्बिनेशन है, जीएस जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दिमाग में ये बताइए कि जनरल साइंस और जनरल नॉलेज में डिफरेंस क्या होता है, पता होगा आप सभी को कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये पूरा जीएस और जनरल नॉलेज का पूरा कॉम्बिनेशन है, यही आएंगे। टोटल 250 क्वेश्चंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल सॉरी मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 250 होंगे, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का जो एक 50 नंबर का बहुत अहम रोल रहेगा, मतलब बाकी सारी चीज़ें। और ऐसा न मत सोचिएगा कि रीजनिंग मैथ नहीं आएगी, नॉर्मल 15-20 क्वेश्चन तो मिनिमम हर एग्जाम में होते हैं आपकी रीजनिंग एबिलिटी चेक करने के लिए, तो वो भी होंगे। तो ये हो गई सिलेबस की बात। दोनों का पैटर्न आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं जाके, दोनों का पैटर्न यही है, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, स्टेज वन में, बाकी सारा स्टेज टू में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के 50 क्वेश्चंस। क्लियर। तो ये तो हो गई इधर की बात। ठीक, अच्छा आगे की अगर हम बात करें कि मतलब एग्जाम की डेट कब तक है, तो देखिए अभी एग्जाम डेट नोटिफाई नहीं की गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट या एग्जाम मंथ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। बट अगर हम अभी हाई कोर्ट का वो जो आया था जूनियर असिस्टेंट हो गया, ठीक है, और काफ़ी सारे जो हाई कोर्ट के अभी दो फॉर्म्स आए थे, काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ उसमें, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम कंपेयर करें तो उसमें हुआ क्या था कि देखिए जो हाई कोर्ट वाले फॉर्म आए थे उनमें फॉर्म सबमिशन के लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर, मतलब 2.5 महीने के बाद और 3 महीने के अंदर, ये जो टाइम था इस ड्यूरेशन में एग्जाम हुए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें भी इसी ड्यूरेशन में एग्जाम देखने को मिल सकता है, मतलब फॉर्म सबमिशन खत्म होगा 21 या 22 अक्टूबर को, तो नवंबर दिसंबर जनवरी स्टार्टिंग के आसपास एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। और जैसे ही अगर कोई लेटेस्ट नोटिस आएगा एग्जाम को रिलेटेड तो हम आपको बताएंगे, पूरी सारी जानकारी देंगे। अगर आप को जानकारी चाहिए और सारी चीज़ें अपडेट रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तुरंत। ठीक है, सारी आपको डिटेल बताएंगे जैसे ही नोटिस आएगा। अभी नोटिस में एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि एग्ज़ाम कब होना है या कैसा क्या, ये सारी चीज़ें सिलेबस रिलीज कर दिया गया है। ठीक, तो एग्ज़ाम कब होना है ये मत सोचिए, सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयारी शुरू कर दीजिए। हाई कोर्ट जो जूनियर असिस्टेंट आया था उसमें भी आपने देखा होगा बहुत सारे सिलेक्शन हुए थे, बहुत सारे, काफ़ी मेरे सारे, काफ़ी सारे फ्रेंड्स के हो गए थे। ठीक है, तो वही है कि मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मेहनत कीजिए आप सभी लोग, अच्छे से पढ़िए और सारी चीज़ें देखिए। अच्छा वही है कि ये सारे फॉर्म्स जल्दी नहीं आते हैं, हर साल वाले नहीं, एसएससी तरीके के नहीं हर साल फॉर्म आ रहा है, तो मेहनत करते रहिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कम मिलती हैं। ठीक है, मिल रही है अपॉर्चुनिटी उसका फ़ायदा उठाइए, अगर कोई भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एग्जाम स्टडी। थैंक यू।